बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के रिलीज को लेकर नर्वस हैं। यशराज बैनर तले बनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 8 नवंबर को प्रदर्शित हो रही है। फिल्म में आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ ने मुख्य भूमिका निभाई है। आमिर फिल्म की रिलीज को लेकर नर्वस हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस फिल्म को लेकर सिर्फ एक ही वजह से नर्वस हूँ। लोग मेरी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें मैसेज और कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये मूवी हटके है। मुझे ठग्स करते हुए बहुत मजा आया, मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे जरूर पसंद करेंगे। उद्धरण, आमिर खान ने कहा, ठग्स इकलौती ऐसी फिल्म है जो मैंने इसलिए चुनी क्योंकि मुझे अपना किरदार बहुत पसंद आया। ये रोल रंगीला से परे है, ये किरदार पूरी तरह से दुष्ट है और इसमें कोई विवेक नहीं है। आप ऐसे शख्स को अपने आसपास नहीं देखना चाहेंगे, आप उसे देखना पसंद करेंगे लेकिन उसके दोस्त नहीं बनना चाहेंगे क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। फिल्म में आमिर के रोल की तुलना पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जैक स्पैरो से की जा रही है। इस बारे में उन्होंने कहा कि लोग जब उनका किरदार देखेंगे तो फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के जैक स्पैरो को भूल जाएंगे। उन्होंने कहा, यह मेरा अब तक का सबसे मुश्किल किरदार था। ऑडियंस के लिए भी यह मुश्किल होगा क्योंकि ऐसे मौके आएंगे जब वह मुझे पसंद नहीं करेंगे। उद्धरण,